हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क। यहाँ पे 31 अगस्त 2023 चंडीगढ़ की तरफ से नोटिस आया है और ये आपका है हाई कोर्ट का नोटिस, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ग्रांट ऑफ सर्विस बेनिफिट टू द क्लर्क रिक्रूट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट 5/19/2019 की भर्ती कैटेगरी नंबर 1, आउस्टेड फ्रॉम द फाइनल मेरिट लिस्ट 23/6/2022, HSSC क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिएगा कि कैटेगरी नंबर 1 जो हमारी क्लर्क की भर्ती थी उनको आउस्टेड कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द सब्जेक्ट सिटेड अबाउट, दैट इज द कॉम्प्लेंस ऑफ द जजमेंट 25/4/2022 पास्ट अवे द हाई कोर्ट वाइड पास्ट इन CWP लगाई गई थी। कोर्ट रिट पिटिशन 2021 में ये डाला गया था। हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन ने रिवाइज किया था क्लर्क का रिजल्ट 23/6/2022 को, 23 जून को, और क्लर्क वर आउस्टेड फ्रॉम द फाइनल सेलेक्शन लिस्ट। और जांच में ये पाया गया कि जो अभ्यर्थी फर्जी तरीके से या जिन्होंने गलत तरीके अपनाकर लिस्ट में शामिल हुए, इन एनी केस उनको हटा दिया गया। फर्दर पंजाब एंड हरियाणा, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेजर थिंग इज सोशो इकोनॉमिक क्रिटेरिया मार्क्स। फर्दर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ वाइड इंट्रीम ऑर्डर 6/7/2022 पास्ट इन CWP लगी थी 14/017/2022। टाइटल था आपका राजपाल वर्सेस राजपाल नाम के कैंडिडेट ने यहाँ पर रिट पिटिशन डाली थी, एंड अनदर हैज़ ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस क्यो सर्विस ऑफ द पिटिशनर। नाउ वेरियस डिपार्टमेंट आर सीकिंग एडवाइस वेदर प्रमोशन एंड अदर बेनिफिट कैन बी ग्रांटेड टू द क्लर्क आउस्टेड द फाइनल मेरिट ऑफ द 23/6/2022। And the matter has been considered by the government and after thorough examination it has been decided that no benefit will be granted to the ousted clerk as per revised result. मतलब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ग्रांट होता है कि आपके लिए कोई भी दया भावना नहीं रखी जाएगी जिनको बाहर किया है, जो रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए हैं। रिक्रूट एडवर्टीजमेंट 5/19 कैटेगरी 1 अपॉइंटमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, इसका मतलब है इनवैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया है नोटिस और यहाँ पर नीचे आपके चंडीगढ़ की तरफ से नोटिस है 31 अगस्त 2022 का। सुपरिटेंडेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हरियाणा। मैं आपको बता दूं कि कलर की जो भर्ती हुई थी उसके उसके अगेंस्ट केस डाला गया था कोर्ट में, और जो जिसने पिटिशनर लगाई थी राजपाल जी ने, उनके साथ और भी मिसलेनियस केस थे। फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए और एक जांच करिए सोशो इकोनॉमिक क्रिटेरिया की, किसने गलत तरीके से अंक लिए और 1100 कलर कैसे पाए गए जो कि फर्जी तरीके से उन्होंने मतलब जॉब हासिल की। तो फाइनली ये हो गया है कि उनको निकाल दिया गया है, ये नोटिस भी आ गया है। सो गाइज, ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा में नहीं, कहीं पर भी अगर आप इस तरीके से अगर लोगे तो, अगर कोई पिटिशनर लगाता है, देखो सेंटर की तो मैं कहती नहीं लेकिन हरियाणा की तो आपने देखी भी है, ग्रुप डी में भी लगाई गई है, क्लर्क में भी लगाए गए हैं, तो ये चीज़ होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।